हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एमडी प्रेजेंस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, अगर आपके पास एमआई का स्मार्टफोन है, जोमी का स्मार्टफोन है, रेडमी का स्मार्टफोन है, तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग थीम्स के बारे में, बहुत ही अमेजिंग थीम कस्टमाइजेशन के बारे में। दोस्तों, बहुत अच्छा कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही इफेक्टिव लुक मिलेगा दोस्तों। इस थीम को अप्लाई करेंगे दोस्तों, आपका डायलर पैड, एसएमएस, कॉल लॉक्स, म्यूजिक प्लेयर और दोस्तों प्ले स्टोर और नेविगेशन पैनल, नेविगेशन बार, सेटिंग्स, पूरे मोबाइल का लुक बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। अगर आप जानना चाहते हैं थीम कस्टमाइजेशन के बारे में, तो इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जाना है थीम्स में। तो चलिए दोस्तों, आपके मोबाइल में थीम्स एप्लीकेशन होगा, तो थीम्स एप्लीकेशन में चलते हैं। तो सिंपली थीम्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें एमडी प्रेजेंस यूट्यूब चैनल को ये लाल बटन दबा के, और ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। जैसे थीम्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे नीचे आपको राइट साइड में मिलेगा प्रोफाइल, तो सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको दो बातें बता दूं, इसमें मैं दो थीम्स का यूज करके कस्टमाइज करने के बारे में बताऊंगा। वो दोनों थीम्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और दोस्तों इसमें दो वॉलपेपर का भी यूज करने वाला हूं, तो वो दोनों वॉलपेपर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ एमआई के थीम्स कस्टमाइजेशन के बारे में। अगर वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही इफेक्टिव थीम्स कस्टमाइजेशन के बारे में मैं बताया हूँ। अगर दोस्तों वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं, तो आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से सिंपली जाके देख सकते हैं दोस्तों। सिंपली चलिए आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली जाना है, यहाँ मिलेगा आपको वॉलपेपर्स, तो सिंपली वॉलपेपर्स में जाएंगे। वॉलपेपर्स में जाने के बाद दोनों वॉलपेपर, जो वॉलपेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें इंपोर्ट करना है। तो सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, दोनों वॉलपेपर को इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आपको बैक होना है, बैक होने के बाद जाना है आपको थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद दोस्तों आपको दो थीम्स डाउनलोड करने का लिंक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, दोनों को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद दोनों थीम्स का नाम है, पहले का नाम है नेक्सस ओप्स टीटी, दूसरे का नाम है हेक्सा एक्स टीटी। तो सिंपली नेक्सस ओप्स टीटी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये थीम्स को आपको सिंपली अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये थीम्स अप्लाई हो जाएगा। जैसे थीम्स अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपको फिर से जाना है थीम्स की एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं थीम्स की एप्लीकेशन में। थीम्स के ऐप में जाने के बाद दोस्तों फिर से आपको जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों यहां आपको मिलेगा कस्टमाइजेस थीम, कस्टमाइज थीम में जाना है। कस्टमाइज थीम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ मिलेगा फेवरेट, फेवरेट, फेवरेट ट्राई, तो सिंपली फेवरेट ट्राइज में जाना है। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा हेक्सा AUX थीम्स, दूसरा थीम है, उसको सिंपली अप्लाई कर देना है दोस्तों। अप्लाई करने के बाद बैक होंगे, अप्लाई करने के बाद बैक होंगे, बैक होने के बाद फिर से जाना है लॉक स्टाइल, तो सिंपली लॉक स्टाइल में जाएंगे। लॉक स्टाइल में जाने के बाद दोस्तों वो थीम है हेक्सा, उसको फिर से अप्लाई कर देना है दोस्तों। अप्लाई कर देंगे दोस्तों, दोनों अप्लाई हो जाएगा, उसका सिंपली बैक होना है, बैक होना है दोस्तों। बैक होते ही आपको फिर से जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है वॉलपेपर्स में। वॉलपेपर्स में जाने के बाद आपको बता दूं, ये दोनों वॉलपेपर अप्लाई करना है। सबसे पहले वॉलपेपर को आपको लॉक स्क्रीन पे अप्लाई करना है, तो चलिए इसको लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर दिया हूँ। उसके बाद दूसरा वॉलपेपर है, इसको होम स्क्रीन पे अप्लाई करना है दोस्तों, तो चलिए होम स्क्रीन पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई दोनों वॉलपेपर जब अप्लाई हो जाए, तो सिंपली चलते हैं होम स्क्रीन पे दोस्तों। होम स्क्रीन पे जाए मैं, जैसे स्टेटस बार को देखेंगे, देख लिए कितना इंटरेस्टिंग लुक आपको स्टेटस बार का दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों कॉल लॉग देखेंगे, तो कॉल लॉग का लुक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद बात करें आपको सेटिंग्स का, तो दोस्तों सेटिंग्स में भी चलते हैं, सेटिंग्स का लुक भी दिखा देते हैं। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सेटिंग का लुक भी आपको बहुत ही अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों म्यूजिक प्लेयर में, तो दोस्तों म्यूजिक प्लेयर में जैसे जाएंगे दोस्तों, म्यूजिक प्लेयर का भी लुक आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद म्यूजिक प्लेयर के बाद दोस्तों चलते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में जैसे जाएंगे, इसका भी लुक आपको देखने को बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं व्हाट्सएप पे, तो दोस्तों चलिए व्हाट्सएप में भी चलते हैं। व्हाट्सएप भी ओपन करेंगे तो आपको इसका भी लुक देखने को बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, इसका भी इफेक्टिव अमेजिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बात करें फाइल मैनेजर का भी लुक आपको देखने को बहुत नया मिलेगा दोस्तों।
अगर आपके मोबाइल पे किसी का कॉल आता है उसका भी लुक देखने को नया मिलेगा, किसी कॉल डायल करेंगे उसका भी लुक नया देखने को मिलेगा, एसएमएस का भी लुक नया देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करें तो ए टू जेड जो भी एप्लीकेशन रेगुलर यूज करते हैं उस सब का लुक आपको चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको लॉक स्क्रीन की बात करें तो चलिए लॉक स्क्रीन की भी दिखा देते हैं, लॉक स्क्रीन का भी देख लिए दोस्तों कितना इफेक्टिव कितना इमेजिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। लॉक स्क्रीन भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों। ये मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाता है, फेस लॉक है दोस्तों, इसलिए देखिए लॉक स्क्रीन का भी बहुत ही इफेक्टिव देखने को आपको मिल रहा है दोस्तों। इससे अच्छा भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें कुछ अच्छा भी वॉलपेपर लगा सकते हैं, जो चाहें वो लगा सकते हैं। इसका आइकन मैं इसलिए चेंज नहीं किया हूं क्योंकि इसमें सभी आइकन चेंज हो गए, ऐसा आप कोई भी आइकन अप्लाई करेंगे तो सभी आइकन चेंज नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ये आइकन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको चेंज नहीं किया हूं। उसके बाद स्टेटस बार भी बहुत ही यूनिक दिख रहा है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये थीम्स कस्टमाइजेशन ये थीम्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो के नीचे लाल बटन मिलेगा उसको दबा के एमडी परजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और कुछ भी सवाल हो कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।